तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ, और आपको स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटिंग एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, अगर आपको मेरा ही चैनल अच्छा लगता है और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, मैं उधर हमेशा एक्टिव रहता हूँ। और वो इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उधर से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम अपने यूट्यूब पे चैनल आर्ट कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों को चैनल आर्ट बनाना नहीं आता, और अगर हम बना भी लेते तो भी वो टीवी के हिसाब से, लैपटॉप के हिसाब से, टैबलेट के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से फिट नहीं होता। तो उसको हम कैसे अच्छे से फिट कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, और बीच में थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपको सारी जानकारी पता नहीं चलेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आप कैसे अच्छे से चैनल आर्ट बना सकते हैं, और आपको उसके लिए क्या कौन सी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही टेक के रिलेटेड वीडियोज और ब्लॉग वगैरह ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि आप अपने मोबाइल से चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं। यूट्यूब, अगर आपका एक यूट्यूबर है या आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो आप अपने मोबाइल से चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए कौन से आपकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे जो पहला आप है, आप इधर देख सकते हैं, वो आपका नाम है पिक्सट। पिक्सट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो, जब भी आप चैनल आर्ट बनाते हैं, आपको एक प्रॉब्लम रहता है कि आप वो सब स्क्रीन पे आपका सेट नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ क्या करना पड़ेगा। पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और अपना यूट्यूब को डेस्कटॉप मोड पे ओपन कीजिए क्रोम ब्राउज़र पे। ये देखिए, आप पहले अपना यूट्यूब को मैं पूरा शुरू से दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं अपना यूट्यूब पहले ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा YouTube ओपन हो चुका है। अभी आप थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, और इधर देखिए दोस्तों, इधर डेस्कटॉप साइट दिखा रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। तो अगर आप, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको अपने पीसी पे जैसे खोलते हैं, जैसे आपका YouTube दिखता है, वैसे ही दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप अपने चैनल लोगो पे क्लिक कीजिए और योर चैनल में जाइए। जैसे ही आप योर चैनल में जाएंगे तो आपको कस्टमाइज चैनल, यूट्यूब स्टूडियो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आप अपने चैनल आर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अपने चैनल आर्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इधर देखिए हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट का एक ऑप्शन दिखाएगा। तो अगर आपका वो जो चैनल आर्ट आप बनाते हैं, अगर आपका कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, टीवी पे फिट नहीं होता, और आपका मोबाइल के स्क्रीन पे आपका आधा कट जाता है, इधर से लोगो कट जाता है कभी, तो इधर से आपका फोटो कट जाता है, तो ये तरीका आप यूज़ कीजिए। इधर आप नीचे जाएंगे तो आप देख पाएंगे इधर इमेज साइज एंड फाइल गाइडलाइंस, चैनल आर्ट टेम्पलेट, हाउ टू रिसाइज इमेजेस। तो चैनल आर्ट टेम्पलेट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको यूट्यूब की तरफ से एक चैनल आर्ट का लोगो मिल जा मतलब साइज मिल जाता है, पूरा इमेज ही मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से देखिए, इधर से चैनल आर्ट टेम्पलेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इधर देखिए मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। तो ये एक जीप फाइल है दोस्तों, तो इसको अनजीप करने के लिए आपको और एक आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है ये RAR। तो मैं आपको प्ले स्टोर पे भी जाके दिखा देता हूँ ये फाइल भी। ये आप भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जीप फोल्डर में आता है। ये देखिए दोस्तों, यही है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो पहले ये आप डाउनलोड कीजिए, बाद में
आप अपने फोल्डर पे जाइए, मतलब अपने फाइल्स पे जाइए, तो आपके ऊपर वो होगा, इधर देखिए मेरा इधर है, तो इसको आप अपने किसी भी एक फोल्डर में मूव कर दीजिए, और उसके बाद आप इसको बैक कर दीजिए, और वो जो आप मैंने बताया था उसको आप ओपन कीजिए। अगर आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप कौन से फोल्डर में रखे होंगे उसको जाइए, तो मैंने इंट्रो मेकर में मैं पहले से ही करके रखा हूँ, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उसको अनजिप वो फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। मैं और एक बार आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों, पहले मैं सब डिलीट करता हूँ, तो और एक बार आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ, एक मिनट दोस्तों, मैं इंट्रो मेकर से मेरा ये जो मैंने अनजिप किया था ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा ही डिलीट कर दिया है। अभी मैं उधर मेन फोल्डर पे जाता हूँ और इसको पहले मूव कराता हूँ वो फोल्डर पे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने मूव कर दिया, अभी मैं जा रहा हूँ मेरे मोबाइल के फोन मेमोरी में, और वो जो चैनल आर्ट का मैंने डाउनलोड किया था टेम्पलेट, उसको मेरे इंट्रो मेकर में मूव कर देता हूँ। तो मेरा मूव हो चुका है, तो अभी हम जाएंगे उस एप्लीकेशन पे, तो कैसे अनजिप करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी हम इंट्रो मेकर को ओपन करते हैं, ये दोस्तों अभी जीप फाइल में है, तो इसको अनजिप करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए और ये वाला आइकन पे क्लिक कीजिए, तो अगर आपको उसी में सेव करना है तो पहले से ही आपको दिखाएगा, तो आपको ओके कर देना है बस, तो ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये देखिए मेरा हो चुका है, तो अभी आप इसको बैक कर दीजिए, अभी इसका काम ख़त्म हो गया, तो अभी हम चलते हैं वो फोल्डर पे। ये देखिए दोस्तों, तो मैं अभी जाता हूँ मेरे वो फोल्डर पे जिस पे मैंने अनजिप किया है, किधर गया, इधर है। तो ये देखिए दोस्तों, इसको आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट पिकआर्ट में शेयर कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, तो मैं इसको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ पिकआर्ट पे। ये देखिए दोस्तों, जो ये जो डार्क कलर का एरिया आप देख रहे हैं इधर से इतना तक, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर से इतना तक जो एरिया आप देख रहे हैं ये है आपके जो मोबाइल के स्क्रीन के लिए, और जो इधर से इतना तक आप एरिया देख रहे हैं इतना तक ये है आपके टैबलेट के लिए, और जो इधर से इधर तक आप देख रहे हैं ये है आपके लैपटॉप के लिए, और जो ये जो बड़ा आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ये है आपके टीवी के लिए। इधर देखिए, आप भी देख सकते हैं इधर सब लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको एडिटिंग करना पड़ेगा, तो मैं अभी आपको लाइव एडिटिंग भी करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, पहले अगर आप कौन सा बैकग्राउंड लेना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये वाला बैकग्राउंड अभी लेना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके हिसाब से सेट करता हूँ, तो इसको छोटा कर दीजिए दोस्तों, और तो ये देखिए दोस्तों, मेरा मोबाइल का हो चुका है, तो अभी जितना मैंने एडजस्ट किया वो था मेरा मोबाइल का, तो अभी आप इसके ऊपर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। अभी आपको जो अगर टैबलेट के लिए करना है तो सेम प्रोसेस है, आपको वही फ़ोटो को लेना है, फिर ऐड फोटो पे जाना है, फिर वही फ़ोटो को लेना है और ऐड करना है। जैसे ही फ़ोटो आ जाएगा आपको इधर पिकशॉट में क्रॉप का ऑप्शन दिख जाएगा, तो अगर आप क्रॉप करेंगे, ये देखिए दोस्तों मैं अभी क्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे इतना चाहिए, तो मैं इतने को ले रहा हूँ, इसको अभी छोटा करूँगा और उसी जगह पे लगा दूँगा।
ये देखिए दोस्तों मेरा इस साइड का हो चुका है। और अगर आप डेस्कटॉप के लिए मतलब अपने पीसी के लिए देखना चाहते हैं तो आप फिर वही ऐड फोटो पे जाइए, फिर वही प्रोसेस कीजिए, फिर ऐड कीजिए तो फोटो आ जाएगा आपका। अभी क्रॉप पे जाइए और थोड़ा बड़ा सा क्रॉप कीजिए। तो मैं अभी इसको फिर से छोटा कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, ये सिलेक्ट हो गया। तो अभी इसको इस तरफ लेके जाइए, जो इसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए और इसको खींच के साइज कर दीजिए। आप जितने अच्छे से साइज करेंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो उतने अच्छे से एडजस्ट होगा। ये देखिए दोस्तों मेरा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा इतना साइज नहीं हो रहा है। पर आप अच्छे से टाइम देखे कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका जो जो चैनल आर्ट है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस साइड का भी आपको वैसे ही करना है, तो मैं कर दे रहा हूँ फटाफट। सॉरी दोस्तों ये मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको फिर से एडजस्ट करके लेता हूँ और इसको पूरा। तो इसको आप अच्छे से कीजिए, वैसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा ये जगह तो एडजस्ट है, तो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, अभी ऐड किया, इसके हिसाब से ये किया। अभी मुझे इधर तक ही खींच के लगाना है और इस साइड से फिर इधर लाना है और ये इधर तक करना है। तो ये हो गया मेरा मोबाइल का। अभी मैं इसको ये कर रहा हूँ, फिर से ऐड फोटो ले रहा हूँ, फिर से ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारा हो चुका है। अभी हम डेस्कटॉप के लिए लगाएंगे, तो आप देखते रहिए। तो फिर से हम आर्ट फोटो पे जाते हैं, वही फोटो को लेते हैं, ऐड करते हैं, क्रॉप पे जाते हैं, क्रॉप करते हैं और छोटा करते हैं इसको, नहीं बड़ा ही रखते हैं इस साइड को लेके। अब इसको छोटा करेंगे उसके हिसाब से। ये देखिए दोस्तों मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा हो चुका है। अभी इस साइड का लगाना है, मैं इस साइड का भी लगा देता हूँ, ऐड करता हूँ, क्रॉप करता हूँ। अभी चलते हैं इस साइड पे।
इसको आप अच्छे से कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका जो चैनल बैनर है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो अभी हम इस पर टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो मुझे अभी मेरा ये ऐड करना है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ। सॉरी, पहले हम इसे काटते हैं, पहले फ़ोटो ऐड करते हैं मेरा। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये वाला फ़ोटो मैं ऐड कर रहा हूँ इधर। हाँ, मैं ये वाला फ़ोटो अभी इस पर ऐड करूँगा, तो इसको इसके हिसाब से छोटा कीजिए और इस साइड पे लेके इधर लगा दीजिए। हो गया। तो अभी इसका कलर हम एडजस्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा कलर एडजस्ट कर दीजिए, ऐसे थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा दीजिए, क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए और हाइलाइट्स थोड़ा सा नॉर्मल बढ़ाइए। हो गया। अभी इसको ओके कर दीजिए। तो फिर प्लस के ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद आप टेक्स्ट ऐड कीजिए। टेक्स्ट में मैं ये ऐड करने वाला हूँ, तो इसको मैं ओके करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ। छोटा करके दोस्तों मैं इधर लाता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये देखिए दोस्तों, इसको आप जो भी कलर चाहे दे सकते हैं। मैं रेड दे रहा हूँ, अभी मैं टेक्सचर पे जा रहा हूँ और ये ऐड कर रहा हूँ। स्ट्रोक बढ़ा दीजिए दोस्तों, ये देखिए स्ट्रोक बढ़ा दिया मैंने। अभी शेडो पे जाइए, शेडो को 94 कीजिए, ऑपेसिटी को 2-3 पे रखिए और ये भी हो गया। अभी अब मुझे और एक टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो मैं ये ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको भी आप छोटा कर दीजिए पूरा और थोड़ा ऊपर उठा, थोड़ा ऊपर उठा दीजिए। हो गया। अभी कलर ऐड कीजिए, कलर में मैं ये ऐड कर रहा हूँ, टेक्सचर में ये ऐड कर रहा हूँ और स्ट्रोक में जाकर थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा दीजिए। वही सेम प्रोसेस है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है। शेडो में जाकर ये बढ़ा दीजिए और ऑपेसिटी को कम कर दीजिए। बस हो गया। अभी हम चलते हैं, मुझे मेरा चैनल का लोगो इधर साइड में लगाना है, तो मैं रिसेट में जाता हूँ। मेरा चैनल का लोगो मैंने बना के रखा है पहले से ही, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ उधर। तो इसको भी छोटा कर दीजिए उसके हिसाब से और इस साइड में लाकर लगा दीजिए, और थोड़ा छोटा होगा ये। तो हो गया हमारा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो बाकी का बैकग्राउंड बच गया, मैं उसको भी कवर कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम ऐड करते हैं फोटो, क्रॉप के ऑप्शन पे जाते हैं, इसको इधर से इतना क्रॉप करते हैं और इसको ऊपर लेके एक कोने से हम पूरा ही एडजस्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप जैसे एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। ये देखिए हमारा हो चुका है। अभी नीचे का भी सेम प्रोसेस है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तो मैं फिर से ऐड फोटो पे जाता हूँ, ऐड करता हूँ, क्रॉप के ऑप्शन पे जाता हूँ, इधर नीचे से क्रॉप करता हूँ इतना और इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर नीचे लाता हूँ इसको और इसको हम बड़ा करते हैं। बड़ा करके ऐसे एडजस्ट कर देने का। अभी हो गया है दोस्तों, तो इसको इसको अभी छोड़ देने का। अभी ये साइड का थोड़ा बचा है, फिर से मैं ऐड फोटो पे जाता हूँ, वही बैकग्राउंड लेता हूँ, ऐड करता हूँ और क्रॉप के ऑप्शन पे जाता हूँ
ये देखिए दोस्तों हमारा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी टूल्स पे जाइए और कर्व पे जाके इसको थोड़ा सा ये कीजिए। अभी ये जो तीन कलर दिख रहा है मैं रेड को अभी ये कर रहा हूँ। ये देखिए तो आपने देखा मैंने कैसे चैनल बैनर बनाया। आपको ठीक पूरा ऐसे ही बनाना है। मैं जल्दी जल्दी में बनाया हूँ इसीलिए थोड़ा ये हुआ है। बाकी आपको अगर अच्छे से देखना है तो मैं आपको मेरे फोटोज पे जाके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था और वो कैसे दिखता है। ये देखिए दोस्तों ये मैंने बनाया था। ये देखिए ये कैसे दिखता है। अभी मैं यूट्यूब पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैं योर चैनल पे जाता हूँ। ये देखिए आपको ऐसा दिखेगा अगर आप वैसे बनाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने चैनल बैनर कैसे बनाया। तो आपको पूरा ऐसे ही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और जो मैं चैनल आर्ट टेम्पलेट का लिंक मैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो ऐप का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर वो दोनों चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाया कि क्या करना है कैसे डाउनलोड करना है। तो आप उसको भी देख सकते हैं और उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और गुड बाय दोस्तों।